नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों, अगर मैं भोजपुरी इंडस्ट्री की बात करूं तो भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी जैसा कोई नहीं है, और खेसारी जैसा कोई नहीं है मैं उस मामले में बात कर रहा हूं जो सोशल मीडिया पर चलते हैं, जो सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, जो सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते हैं और अलग अलग पत्रिका अलग अलग चार्ट्स के माध्यम से लगातार हमेशा खेसारी लाल यादव बनाए रहते हैं। जी हाँ, जैसा कि आपको पता होगा कि हर रविवार के दिन मैं यूट्यूब म्यूजिक चार्ट जारी करता हूँ, जिसमें आपको बताता हूँ कि आखिरकार वो कौन से कलाकार हैं जो पूरे देश में टॉप 10 में अपना पोजीशन बरकरार रखे हैं, तो वहीं पूरे वर्ल्ड में कौन से वो कलाकार हैं जो टॉप 10 में अपना पोजीशन ऑक्यूपाइड किए हुए हैं, तो पूरे देश के साथ साथ पूरे वर्ल्ड में भोजपुरी की वो कौन से कलाकार हैं जो टॉप 10 में अपना पोजीशन बरकरार रखे हैं। और 2021 से लगातार मैं ये जानकारी आप सभी के बीच साझा करता रहता हूं, और हर जानकारी में लगभग 1.5 साल के तकरीबन में होने वाले हैं, और उसमें खेसारी लाल यादव का रैंक पवन सिंह से हमेशा भारत हो या फिर पूरा विश्व यानी कि पूरा वर्ल्ड हो, हमेशा खेसारी लाल यादव आगे रहे हैं और उनकी रैंकिंग भी जबरदस्त तरीके की दिखती नजर आ रही है। वहीं बात करें तो आपको पता है कि 2022 की शुरुआत के साथ साथ लगभग 3 महीने बीत चुके हैं, तो 3 महीने के परफॉर्मेंस बेसिस पे अगर मैं बात करता हूं तो खेसारी लाल यादव, जी हां बात करें तो खेसारी लाल यादव को अब तक 2.24 बिलियन यानी कि लगभग अगर मैं बात करूं तो 2500 मिलियन 2500 मिलियन व्यूज जो है खेसारी लाल यादव के तमाम बड़े बड़े गाने पर मिल चुके हैं, और ये पूरे मैं वर्ल्ड वाइड की बात कर रहा हूं। तो सोच सकते हैं 2500 मिलियन व्यूज मिलना अपने आप में बहुत बड़ी कामयाबी होती है। वहीं अगर मैं भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह की बात करता हूं तो पवन सिंह के जो व्यूज मिले हैं वो महज 1.39 मिलियन यानी कि लगभग 1400 मिलियन के तकरीबन में व्यूज मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि खेसारी लाल यादव लगभग लगभग इनसे 1.5 गुना ज्यादा जो है खेसारी लाल यादव के व्यूज मिले हैं। तो आप अंदाजा लगा ही लीजिए कि खेसारी लाल यादव का तांडव स्वैग अंदाज कितना है कि उनकी गूंज पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में होती रहती है। खैर, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। धन्यवाद।